हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एएमयू एंट्रेंस क्रैकर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एएमयू क्लास 11th का रिजल्ट, यानी कि आपका रिजल्ट कब तक जो है डिक्लेयर्ड हो सकता है, कब तक आ सकता है क्लास 11th का रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद आपका क्या फर्दर प्रोसेस रहेगा आगे, यानी कि आपको एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है क्लास 11th का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जामिया का क्लास 11th का रिजल्ट आ चुका है, इसके अलावा जामिया का क्लास 6 और 9th का भी रिजल्ट आया, इसके अलावा एएमयू का एमबीए, ठीक है, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, बीए फॉरेन लैंग्वेज, इसके अलावा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और अदर फैकल्टीज़ का भी रिजल्ट आ रहा है बैक टू बैक। एएमयू भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपका जो है क्लास 11th का रिजल्ट भी जो आएगा उसकी हम आपको एक्सपेक्टेड डेट बता देते हैं। 15 से 20 जून तक आपका रिजल्ट आने के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं। अगर 20 जून तक रिजल्ट नहीं आता है तो आपका जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट चांस रहेंगे 25 जून तक तो एएमयू रिजल्ट डिक्लेयर कर ही देगा। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ आ जाना है रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट, और इसमें आपको ऊपर देख पा रहे होंगे आप काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल, तो आपका एडमिशन का जो शेड्यूल रहेगा वो पूरा ब्रीफली यहाँ दिया जाएगा। तो जैसे कि रिजल्ट आने के एक हफ्ते बाद काउंसलिंग शेड्यूल होता है, तो हम आपको बता देते हैं जनरल, बाकी आपके जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करके भी लाइव वीडियो में दिखाएंगे, तो आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि जब भी हम अपना लाइव सेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग लेकर आएंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप भी काउंसलिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सीख पाएंगे कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है। अगर काउंसलिंग में कहीं आप सही तरीके से कोई मिस्टेक हो जाती है, सही तरीके से काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, तो एएमयू जो है कैंडिडेट का रिजेक्ट कर देता है एडमिशन, ठीक है, काउंसलिंग जो है रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एडमिशन भी नहीं हो पाता। तो एक जनरल आइडिया दे देते हैं कि आपको काउंसलिंग में क्या होगा, कि आपको सबसे पहले एक लिंक दिया जाएगा एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आपको क्या करना है, आपका फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और इसके अलावा लास्ट नेम, ये सब फिल करना होगा, अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और अपना मोबाइल नंबर जो है, अपने मोबाइल नंबर से आपको ओटीपी आएगा और आप इस तरीके से सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर लॉगिन कर लेना है, लॉगिन कर लेने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल में आपको क्या करना है, आपको पासपोर्ट साइज़, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि वही सेम फ़ोटो जो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम आपने अपलोड किया था, वही सेम फ़ोटो आपको काउंसलिंग में भी अपलोड करना है। उसके अलावा आपको थंब इम्प्रेशन अपना और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट, आपने क्लास 10th इस सेशन में पास किया हो या लास्ट सेशन में पास किया हो, तो अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो आपको क्या करना है, उस ओरिजिनल मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी यानी कि स्कैन कॉपी, और वो अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, ठीक है, उसे अपलोड करना है वेबसाइट पर। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट आपका स्कूल काउंसलिंग के टाइम तक इशू नहीं कर पाता है, तो आपको क्या करना है कि आपको इंटरनेट वाली मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने स्कूल से जहाँ से आपने 10th पास किया है वहाँ से उसे वेरीफाई कराना होगा, मतलब स्कूल से आपको स्कूल का स्टाम्प और स्कूल के प्रिंसिपल या चेयरमैन के जो है सिग्नेचर लेकर उसे स्कैन कराकर तब अपलोड कर सकते हैं। या आपके पास इंटरनेट वाली मार्कशीट भी नहीं है, ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं है, तब आप डिजी लॉकर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, डिजी लॉकर की मार्कशीट भी अपलोड कर देंगे तो उससे भी कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को अभी जो है एएमयू की ऑफिशियल जो है काउंसलिंग वाले प्रोफाइल पर आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपकी जमा होती है, लेकिन वो जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है, आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने स्कूल के ऑफिस में ही उसे जमा करना होगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को। क्लास शुरू होने के विद इन 1 वीक भी डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपने जो ऑनलाइन काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट दिए हैं और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि बच्चे ने कोई एडिटिंग वगैरह तो करके अपलोड नहीं कर दिया था, ये चेक होता है, वो फिर आपको 1 महीने बाद वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है अगर आपने किसी स्पेशल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है, जैसे आप अगर OBC कैटेगरीज हैं या ST, SC, CA, CE, PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकेप, या फिर आपने DS, NCC किसी भी कैटेगरी से जो है फॉर्म फिलिंग के टाइम कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया था, तो आपको इस टाइम कैटेगरी में क्लेम करने के लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है, और इस तरीके से आपकी फर्दर काउंसलिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो उसमें जो है हर एक स्टेप्स के बारे में दिया रखा होगा, मतलब ये कि आपको रजिस्ट्रेशन कब करना है, रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल कब क्रिएट करनी है, या आपको उसमें ये भी दे रखा होगा कि आपकी फ़ीस कब सबमिट होगी और आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है, मतलब
किस स्कूल में आपको एडमिशन दिया गया है ये भी होगा उसमें मेंशन, कितनी फ़ीस होगी ये सब सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होंगी। तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।